आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा हमें बड़ी एक्टिविटी देखने को मिली। यहाँ पे बहुत ही शानदार आज बड़ी खरीदारी हुई है और इस खरीदारी के पीछे वजह क्या है, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ से अब यस बैंक के अंदर बहुत ही बड़ी तेजी आने वाली है, क्या फिर से खरीदारी शुरू हो चुकी है यस बैंक में? जैसे कि काफ़ी लोगों को चिंता होती थी कि यस बैंक में आने वाले समय में क्या तेजी बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन जो सिग्नल आ रहे हैं वो ये इशारा करेगा अब यहाँ से यस बैंक में बड़ी तेजी बन सकती है। तो उन सारी बातों को जानेंगे, साथ में दो तीन बड़ी अपडेट है उनको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे अगर आप देखोगे तो यस बैंक का स्टॉक बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। यहाँ पे जिस तरह से यस बैंक ने पिछले 2 साल में अपनी परफॉर्मेंस में बहुत सारा इंप्रूवमेंट दिखाया है, वैसे इसकी प्राइस नहीं बढ़ी है। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बन सकती है? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या वाकई में यस बैंक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 12.75 पर, लो बना 12.70 का और हाई है 13.35 की, एंड में क्लोजिंग 13.20 पे रही, जहां पे 3.12% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। वैसे तो आज बैंकिंग सेक्टर में तेजी थी, लेकिन ये जो यस बैंक में तेजी है वो दूसरे बैंकिंग शेयरों से काफ़ी अच्छी थी। वॉल्यूम को देखें तो बीएससी में आज 1,32,43,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 44,54,000 की डिलीवरी उठाएगी, डिलीवरी का परसेंटेज 33.64%। एनएससी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7,98,97,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,71,45,000 की डिलीवरी उठाएगी, डिलीवरी का परसेंटेज 33.98%। पिछले कई दिनों के बाद वॉल्यूम के मामले में टॉप थ्री में आ चुका है स्टॉक। बिल्कुल टॉप थ्री में था यस बैंक, यानी नंबर 3 था पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में। ये इशारा है कि अब यहाँ से आप देख सकते हो कि यस बैंक में खरीदारी शुरू हो चुकी है और यहाँ पे खरीदारी कौन कर रहा है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 6 करोड़ का ही वॉल्यूम होता, लेकिन फ्राइडे को 10 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त उछाल आने लगा है वॉल्यूम में और इसके पीछे वजह है काफ़ी बड़ी खरीदारी, और ये खरीदारी हो रही है FII की तरफ से, और वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो FII बाज़ार में फिर से खरीदारी शुरू कर चुके हैं। आप देखोगे तो 1 जुलाई को इन्होंने करीब 2,324 रुपीज़ की बाज़ार में बिकवाली की थी और 4 जुलाई को उन्होंने 2,149 रुपीज़ की अपना माल बेचा, लेकिन 5 जुलाई को उन्होंने 1,295 रुपीज़ की खरीदारी की, और आप देखो तो 6 जुलाई को उन्होंने 330 रुपीज़ की बिकवाली की और 7 जुलाई को उन्होंने 925 रुपीज़ की बिकवाली की और 8 जुलाई को उनकी जो बिकवाली मात्र 109 रुपीज़ तक रह गई। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे FII धीरे धीरे अब जो बिकवाली करते हैं वो कम हो चुकी है और यहाँ से वो बायर बन चुके हैं। और ऐसे में अगर आप देखोगे तो यस बैंक अंदर उन्होंने लगातार अपना इन्वेस्टमेंट नया किया हुआ है, जो इशारा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये जो खरीदारी हो रही है FII की तरफ से हो रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो FII ने लगातार यहाँ पे होल्डिंग को बढ़ाया यस बैंक में। आप सितंबर 2021 की बात करें तो 13.89% की होल्डिंग थी FII की, जो दिसंबर में बढ़कर 14.87% हो गई और मार्च आते आते FII ने अपनी होल्डिंग को 16.22% तक लेकर चले गए। आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से FII की होल्डिंग बढ़ रही है और जिस तरह FII ने बाज़ार में खरीदारी शुरू की है, ये इशारा है कि यहाँ पे FII की होल्डिंग और बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे हमारे पास अब नया जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा उसमें आपको FII की होल्डिंग और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि जल्द ही यस बैंक में बड़ी तेजी आएगी, क्योंकि FII बाज़ार की पारखी नज़र को अच्छे से समझते हैं, वो कौन से स्टॉक में दाव लगाना उनको पता होता है और वो ऐसे स्टॉक में ही दाव लगाते हैं। अगर यहाँ पे FII में अगर वो लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे तो समझ लीजिए कि आने वाले समय यस बैंक में बड़ी तेजी बिल्कुल आएगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो DII की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है और म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ी सी होल्डिंग कम किया, जिसका मतलब ये नहीं कि होल्डिंग कम हुई है, तो होल्डिंग अभी भी बहुत अच्छी मेंटेन रखी हुई है। यहाँ पे जो होल्डिंग कम हुई तो मात्र जनरल पब्लिक की, जो 45.02% पर आ गई है। तो ये शेयर होल्डिंग का पैटर्न इशारा है कि यहाँ पे अब FII की खरीदारी शुरू हो चुके और आज बहुत बड़ी बड़ी डील हुई है, उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखोगे बाजार शुरू होते ही 9:47 पर 12.90 की प्राइस से करीब 10,16,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर अगर उसके बाद आप देखोगे तो 9:59 पर 13 की प्राइस से करीब 10,54,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई।
फिर 10:48 पर 13.05 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई, और उसके बाद में 11:13 पर 13.10 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक और डील हुई। आप देख सकते हो कि प्राइस लगातार बढ़ रही है और उसके पीछे वजह है बड़ी डील। उसके बाद में 11:27 पर 13.10 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई, और प्राइस देखते आप देखते बढ़ते हुए 13:10 तक आ चुकी है। फिर 11:30 पर 13.25 की प्राइस से 16,60,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई, और आप जिस तरह से प्राइस बढ़ रहे उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि लगातार ये सारी खरीदारी की जा रही है। फिर उसके बाद में 11:38 पर 13.20 की प्राइस से करीब 10,61,000 शेयरों की एक डील हुई। फिर उसके बाद में 1:08 पर 13.25 की प्राइस से 12,15,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर 1:40 पर 13.20 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक डील हुई। फिर उसके बाद में 2:02 पर 13.20 की प्राइस से 16,43,000 शेयरों की एक डील हुई। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी समय के बाद, यूँ कहे तो महीनों के बाद, हमने इतनी बड़ी डील देखी है यस बैंक के अंदर, और ये FI की तरफ से बड़ी खरीदारी हो रही है। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि अब जल्दी यहाँ पे यस बैंक में आपको तेज़ी बिल्कुल आती हुई दिखाई देगी। अगर हम आज की बाज़ार की बात करें तो निफ्टी 50 में थोड़ी सी आज हमें गिरावट देखने को मिली, मामूली सी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 16,216 के स्तर पर 0.03% की गिरावट थी, लगभग फ्लैट क्लोजिंग थी। लेकिन आज बैंकिंग शेयरों में तेजी थी। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 35,469 के स्तर पर 0.98% की तेजी थी, लगभग 1% की तेजी थी बैंकिंग शेयरों में। निफ्टी PSU बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर 2,659 के स्तर पर 1.88% की तेजी थी, और निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 17,849 के स्तर पर 1.21% की तेजी थी। तो ये आप देख सकते हो कि लगभग 1-2% की तेजी थी बैंकिंग शेयरों में, लेकिन आज यस बैंक के शेयर में लगभग हमें 3.5% की तेजी देखने को मिली। और ये तेजी बनी, इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की लगातार खरीदारी, और इसका इशारा है कि अब यस बैंक में आने वाले समय में जबरदस्त तेजी आ सकती है। और जो पुरानी इसकी हाई है जो 17 के आसपास जाकर स्टॉक जो वापस नीचे आता है, इस बार 20 को क्रॉस करने की पूरी संभावना बन रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यस बैंक रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए एक तरह से बहुत ही मजबूत प्रबल दावेदार है, क्योंकि यहाँ पे दो और जो दावेदार है वो लगातार अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। आप देख सकते हो कि इंडसइंड बैंक और यहाँ पे पिरामल ग्रुप है, जो दोनों यहाँ पे और अपनी बोली लगाना चाहते हैं, वो भी रिलायंस कैपिटल लेना चाहते हैं, लेकिन वो और समय मांग रहे हैं। अगर आप देखोगे तो जो डेडलाइन दी जा रही है वो पिरामल ग्रुप चाहते हैं कि 10 अगस्त तक कर दी जाए बिड फाइल करने के लिए, और यहाँ पे इंडसइंड बैंक 15 जुलाई मांग रहे हैं। लेकिन यस बैंक कह रहे हैं आप कभी भी बिड मंगाएं, हम एनी टाइम तैयार हैं। और साथ में यहाँ पे दो रिजोल्यूशन प्लान है, एक है इसकी अलग अलग सब्सिडियरीज को बेचना और एक है पूरी कंपनी को साथ में बेचना, तो यस बैंक दोनों के लिए भी तैयार है। आप कुल समझ सकते हो कि आने वाले समय में यस बैंक का कब्जा हो सकता है रिलायंस कैपिटल पर, यह बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो इस बार जो इन्होंने जून क्वार्टर के आंकड़े पेश किए बहुत ही बेहतरीन है, इनके लोन और एडवांस में जबरदस्त बढ़ोतरी है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि इस बार जो क्वार्टर वन का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा वो काफ़ी शानदार रह सकता है, और फिर तेजी की संभावना बिल्कुल बन सकती है। एक और बड़ी जो अपडेट निकल के आई है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि हम इक्विटी पार्टनर तलाश रहे, जल्दी ही कोई अच्छे इक्विटी पार्टनर के साथ में हम बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उनका कहना क्लियरली यही है कि किसी बड़े प्रमोटर ग्रुप को अंदर शामिल किया जा सकता है, किसी की सेवाएं ली जा सकती है कंपनी के लिए, ताकि कंपनी को आगे बढ़ाया जा सके। कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होकर रहेगा। कुल मिला के आपको इस समय यस बैंक में बने रहना है। अब आप देखोगे तो Q1 बेहतरीन रहेगा, उसके बाद में तेजी की संभावना तो बनेगी ही बनेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 महीनों में जब बाजार में भयंकर गिरावट हुई उसके बावजूद भी यस बैंक ने कोई ज़्यादा निगेटिव रिटर्न नहीं दिया, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले 5 साल के हिसाब से आपको 95% का निगेटिव रिटर्न देगा ही देगा, 3 ईयर के हिसाब से 85% का निगेटिव रिटर्न है, और 1 ईयर के हिसाब से 0.75% का निगेटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 12% की गिरावट है, 1 मंथ के हिसाब से 1.54% की तेजी है, और 1 डे के हिसाब से 2.73% की तेजी है। तो आप देख सकते हो कि इस बड़ी गिरावट में मात्र 12% गिरा है, जबकि बाकी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरे। तो यहाँ पे ये आप समझ सकते हो कि गिरावट में आपका निवेश सुरक्षित है। अब यहाँ पे एक बार इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 12.68 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 12.57 तक स्टॉक जा सकता है, तीसरा सपोर्ट 12.43 का निकल के आ रहा है। पॉजिटिव माहौल बना तो 12.93 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ब्रेक हो चुका है, सेकंड रेजिस्टेंस 13.07 का जिसको भी आज ही इसने ब्रेक किया, और तीसरा है 13.18 का जो ऑलरेडी ब्रेक हुआ है, 13.20 तक स्टॉक गया। इसका मतलब यह है कि स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है, तीनों के तीनों इसके रेजिस्टेंस ब्रेक हुए, तो एक तरह से देखें तो पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया तो आने वाले समय ये वाकई में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।